हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सनी गुप्ता ऑफ मैथ्स टीचर। टुडे विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास सेवन्थ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? आर थी एट 3/8 पार्ट ऑफ अ चॉकलेट एंड द रिमेनिंग चॉकलेट वॉज ईटन बाय हर सिस्टर। हाउ मच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड हर सिस्टर ईट? ठीक है, देखो सीधी सी बात है, 3/8 पार्ट कौन खा रहा है? आरती। इसका मतलब टोटल पार्ट कितने होंगे? 8, जिसमें से 3 पार्ट कौन खा रहा है? आरती। जो बच गया वो कौन खा रहा है? उसकी सिस्टर। इसका मतलब 8 में से 3 पार्ट तो उसकी आरती ने खा लिए, बच गए कितने? 5 पार्ट। 5 पार्ट को किसने खाया? उसकी सिस्टर ने खाया। अब बोल रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड हर सिस्टर ईट। ठीक है, उसकी सिस्टर ने कितने पार्ट ईट करे? 5। हु हैड द लार्ज 5/8 हु हैड द लार्जर शेयर? लार्जर शेयर किसका? उसकी सिस्टर का है। एंड बाय हाउ मच? 5/8 माइनस 3/8 2/8 यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। समझाया है मैंने आपको लिखना कैसे है। लेट द टोटल पार्ट ऑफ चॉकलेट 1। अब कोई भी चीज़ है हम उसका होल जो है, टोटल जो है वो 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, आरती ने कितना खाया? 3/8 ऑफ चॉकलेट का जो पार्ट, चॉकलेट जो है 3/8 ऑफ 1 3/8। रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया? पहले 1 था, 3/8 खा चुके हैं तो 1 माइनस 3/8। टोटल पार्ट 1 थे, 3/8 खा चुके हैं तो बच गया कितना? 5/8। ठीक है, सिस्टर ने कितना खाया? जो बच गया था वो खाया था तो 5/8। सिस्टर हैड, आप देख सकते हैं 5/8 और 3/8 में से लार्जर कौन है? 5/8। कितना है? 5/8 माइनस 3/8 यानी 2/8 यानी इसको काट करके आप 1/4 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसका दूसरा तरीका भी है। अब देखो 3/8 का मतलब टोटल पार्ट कितने हैं? 8। 8 में से 3 पार्ट जो हैं वो उसकी आरती ने ऐड कर लिए थे तो बच गए कितने? 1 2 3 4 5। 5 पार्ट जो है वो उसकी सिस्टर ऐड कर रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस? तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी आ जाए, हम मान लेंगे कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा? एक्स से, कि आंसर क्या आ रहा है ये। ठीक है, तो लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड एक्स, एक्स मल्टीप्लाई 12 5/6 इज इक्वल टू 1 2/3। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। अब ये इधर डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाउ मैनी पीसीज ऑफ लेंथ 3 1/2 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ 98 सेंटीमीटर? ठीक है, हमें नंबर ऑफ पीसीज निकालने हैं कि इतने सेंटीमीटर के कितने पीस निकाल सकते हैं, कितने पीस निकलेंगे 98 सेंटीमीटर की वायर से। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि हमने n नंबर ऑफ पीसीज निकालने हैं जो इतने सेंटीमीटर के हैं। तो एक की जो लेंथ है वो इतनी है, तो n की कितनी होगी? n मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन पीस। ठीक है, एक जो वायर है उसकी लेंथ इतनी है, जो एक पीस हमने निकाला उसकी लेंथ इतनी है। हमने मान लिया कि n है, तो n के निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो टोटल किसके इक्वल आनी चाहिए? जो टोटल लेंथ है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? n मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ वायर। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर 28 आ जाएगा। ठीक है, इन अ बास्केट देर आर 60 मैंगोज, आउट ऑफ 1/12 ऑफ द मैंगोज वर रोटन, 7/11 ऑफ द रिमेनिंग मैंगोज वर सोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज उसने दे दिए हैं, जिनमें से 1/12 ऑफ 60 क्या हो चुके हैं? रोटन हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो हम 1/12 ऑफ 60 हमने निकाला, 5 जो मैंगोज हैं वो ख़राब हो चुके हैं। 7/11 ऑफ द रिमेनिंग मैंगोज, अब 5 जो हैं 60 में से 5 तो ख़राब हो गए, बच्चे कितने? 55। जो 55 है उसका 7/11 क्या हो गया? बिक चुका है, सोल्ड हो चुका है। तो 7/11 पहले तो 55 हो गया, 7/11 ऑफ 55 क्या आ जाएगा? 35। अब बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट, कितने मैंगोज जो हैं वो बच गए हैं। ठीक है, अब देखो टोटल मैंगोज कितने थे? 60, जिसमें से 5 क्या हो चुके थे? ख़राब हो चुके थे। 35 क्या हो चुके? बिक चुके हैं। टोटल कितना जो है वो जा चुके हैं? 35 + 5 = 40, थे कितने? 60, बच गए कितने? 20 मैंगोज। ठीक है ना, टोटल 60 थे जिसमें से 5 ख़राब हो चुके हैं, 35 बिक चुके हैं, तो बच गए कितने? ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और 60 में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यही हमने किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।